मिटनी कहाँ से होता कि हिम्मत है तो माँ की तो हिम्मत कोई नहीं, मैं तो उतना ही बता दी था। दोस्तों ये वीडियो देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ तनोट राय माता जी का, जो भारत पाकिस्तान के पास में जो बॉर्डर है उसका ये लास्ट गांव है, और उसमें अभी भी लाइव बारूद बम पड़ा हुआ है जो फटा नहीं आज तक, और वो अभी बिल्कुल लाइव है। वो हम इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं पहले जाके उसको देख आया, लेकिन मैंने सोचा क्यों न जो भाई लोग हैं उनको भी दिखा दिया जाए। ये आज के 5-6 साल पहले ये BSF को जवानों को मिला था, जैसे ही मिट्टी हटी तो, क्योंकि ये मिट्टी में दफन थे, और एक अलग ही डरावना सा वहाँ महसूस होता है जब हम जाते हैं, क्योंकि वो भी लाइव है, वो बारूद फट भी सकता है। और ये आखिरी गांव है, आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मिट्टी निकाल सको ताकि हिम्मत है तो माँ की तो हिम्मत कोई नहीं, मैं तो उतना ही बता दी रहा। अरे बस सर, ये पूरी जो भारतीय जवान है उनकी तरफ से ये सीमा रेखा कर रखी है इसके, है ना, कोई हाथ ना लगाए। हाँ, इसके 1965 से यहीं पड़ा है, बाकी तो वहाँ ले जाके वहाँ रख दिया ना, बाकी तनोट में रख दिए, बाकी जो है उनको डिस्पोज कर दिया गया है। अच्छा, ये भी अभी न्यू है, लाइव है अभी। हाँ, और ये मिलते रहते हैं, जैसे मिलते हैं ना 10-12 हो जाते हैं तो डिस्पोजल टीम आके उनको नष्ट कर देती है। कितने बम पड़े यहाँ? हो बहुत बम है यहाँ, बारूद का ढेर है ये तो। कितने? 3000 प्लस बम पड़े, और गोले पड़े 1400 कुछ, है ना। हाँ, गोले बम वो एक ही बात होगी। अच्छा, जैसे ही मिलती है तो इनके ये कर देते हैं बाउंड्री चिन्हित हो गया। ये लाइव जिंदे कारतूस बम 1965 से पड़े हुए हैं, और ये इसी जंगल में सुनसान जंगल में मिलते रहते हैं। ये अभी कितने सालों पहले मिला ये अंदाज? अंदाज इन तो 4-5 साल बाद पहली पत्तो चाले बाहर से। अच्छा अच्छा, टिल्ला सर ये 30 ना जी। हाँ। अच्छा, ये भी लाइव जिंदा है। हाँ, करो कार्ड करा